दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जय किसान .org। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बढ़ते कदम जय किसान .org। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां, आम आदमी की स्वास्थ्य समस्याएं और चिकित्सा सुविधाओं की कमी, इन सब के बीच बीमारियों के बारे में अज्ञानता और सही सलाहकार की गैर मौजूदगी, इन सब ने हमें प्रोत्साहित किया हेल्थ दरबार बनाने। हेल्थ दरबार का मकसद है दूरदर्शन जैसे सशक्त माध्यम से प्रसिद्ध चिकित्सकों की अमूल्य सलाह आम आदमी तक पहुँचाना और उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना। नमस्कार, मैं हूं दीपा। मैं हूं महेश। हेल्थ दरबार में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हृदय रोग की, तो आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर अजय भार्गव जी, प्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर ऋषभ आनंद जैन जी, योगाचार्य श्री सचिन जी एवं प्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर विपिन कपूर जी। हेल्थ दरबार में आप सभी का स्वागत है, तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। डॉक्टर साहब, हृदय रोग क्या है इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। हृदय रोग क्या है, डॉक्टर एलोपैथ से मैं जानना चाहता हूँ। डॉक्टर अजय भार्गव, हृदय रोग के बारे में आप पूछ रहे हैं, इसे बहुत ही ज्यादा ब्रॉड टर्म है और इसमें बहुत सारी डिजीजेज हम लोग इंक्लूड करते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी डिजीज, जिसको हम लोग कहते हैं कॉरोनरी हार्ट डिजीज, या आम भाषा में इसको हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक, एंजाइना, वो है एक हार्ट की मांसपेशियों की होती है कार्डियोमायोपैथी। तो इस प्रकार से हार्ट की डिजीजेज बहुत सारी होती हैं और एक हृदय रोग के अंदर उस सबको हम लोग इंक्लूड करके हम कहते हैं कि ये हृदय रोग से संबंधित पीड़ित है। डॉक्टर साहब, इस विषय पर चर्चा भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक कुछ जानना चाहते हैं हृदय रोग के बारे में, तो आइए लेते हैं उनका एक सवाल। इन जो हार्ट के सिम्टम्स क्या हैं, जो जनरल आदमी होता है उसे ये नहीं पता होता है कि हार्ट अटैक आ रहा है या गैस की प्रॉब्लम है। मेन क्या है कि उसका एक्चुअली उसे आम आदमी को कैसे पता चले कि हार्ट अटैक आ रहा है उसको, मतलब उसके सिम्टम्स क्या हैं, ये जानना चाहते हैं डॉक्टर। डॉक्टर, जैसे कि हमारे दर्शक ने पूछा है कि एक आम आदमी कैसे जान सकता है कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है। देखिए कि जो हार्ट अटैक आने के सिम्टम्स हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं हार्ट डिजीज में, एक एंजाइना और एक हार्ट अटैक। ये दोनों चीज़ें अपने में एक अलग तरह की लक्षण होते हैं जिसके द्वारा हम डायग्नोज करते हैं कि ये एंजाइना है या हार्ट अटैक है। एंजाइना में आमतौर से शुरुआत में पेशेंट को चलने में परेशानी होगी, चलने में सांस फूलने लगेगा, चलने में उसको छाती में दर्द होगा और जब वो थोड़ा सा भी रेस्ट करेगा उसमें उसको आराम मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक परेशानी जो होती है, जो हम लोग भूल जाते हैं, कि चलते हुए कंधे में दर्द हुआ, बाएं हाथ के कंधे में थोड़ा रुका और वो ठीक हो गया, ये इसको हम लोग कहते हैं एंजाइना ऑन एग्जर्शन। उसके बाद दूसरी चीज होती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एंजाइना का ही एक अगला रूप होता है जिसमें कि मरीज को छाती के बीचों बीच दर्द होगा और वो दर्द दोनों कंधों में निकलेगा या बाएं हाथ के कंधे में निकलेगा या दाएं हाथ के कंधे में निकल सकता है या पूरे हाथ में निकल सकता है या छाती में होकर के सीधा पीछे की तरफ जा सकता है या ये दर्द छाती के बीचों बीच होकर के वो ऊपर उठेगा और जबड़े में जाकर के रुकेगा या ये दर्द छाती के बीचों बीच होकर के ठीक दोनों हमारी जो स्कैपुला होती है पीछे रीढ़ की हड्डी का जो पोर्शन होता है सीधा वहां निकलता है। और इस तरह से ये अगर हमें ये पता है कि दर्द कहाँ होता है और किस तरह का हो रहा है तो हम पहले से पता लगा सकते हैं कि ये दर्द किस तरह का है, हार्ट अटैक का है। अभी मैं आपको कल का एक उदाहरण देता हूँ। रात को एक मरीज आया हमारे पास और उन्होंने हमें बताया कि हमारे दर्द है कमर के बीचों बीच छाती की तरफ, और जब उनको ECG किया गया तो उनको बहुत ही सीवियर हार्ट अटैक था। यहाँ पर इस चीज़ को बताने का सिर्फ मकसद जो है वो ये है कि सिर्फ हम ये ना सोचें कि अगर छाती में दर्द है तो वो गैस का है
या कमर में दर्द हो रहा है तो बाय का होगा। इन सब चीज़ों से अलग हटके हमें हमारी चेतनता को जगाते हुए ये सोच के चलना है कि हमें हार्ट अटैक हो रहा है और उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें समय की बहुत वैल्यू होती है और जितना जल्दी हम डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, डायग्नोसिस होगा हार्ट अटैक का, उतना ही अच्छा उसका इलाज होगा और हम हार्ट की मांसपेशियों को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी कुछ सवाल आए हैं जनता की तरफ से, उन्होंने जो जानना चाहा है उसी पर मैं अन्य जो चिकित्सकविद हैं हमारे साथ हैं ऋषभ आनंद जी, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या मानते हैं ये जितनी चीज़ें हैं, उनका क्या मत है। डॉक्टर भार्गव ने अभी जैसा बताया उसमें चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। तो एक जनरल मिसकंसेप्शन होता है हर आदमी को कि हार्ट अटैक मुझे छोड़ के सभी को हो सकता है, तो हम लोग उस चीज़ को टालते हैं कि नहीं, मेरे को शायद गैस की प्रॉब्लम हुई है या पेन है, थोड़ी देर में निकल जाएगा, क्योंकि एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि हार्ट अटैक मेरे को छोड़ के बाकी सबको हो सकता है। दूसरी चीज़ जो डॉक्टर भार्गव ने बताई, पहले 60 मिनट हार्ट अटैक में, पहले 60 मिनट ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उसी के ऊपर आगे का रिवर्सल डिपेंड करता है। पेशेंट की कंडीशन आगे जाके क्रिटिकल भी हो सकती है और अगर सही समय पर पहले 60 मिनट में सही चिकित्सा दी गई तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, अभी डायबिटीज से संबंधित एक सवाल आया था, वो कैसे प्रिक्वेशन करें, इस पर आपका क्या मत है? जो डॉक्टर भार्गव ने कहा है, क्या आप उसी पर सहमत हैं? आयुर्वेदा और योगा जो दोनों साथ में चलते हैं, उसमें योगा का अभ्यास करना ये आयुर्वेद मानता है, और क्योंकि मधुमेह को एक संतर्पण जन्य यानी कि ज्यादा न्यूट्रिशन से होने वाली डिजीज, ऐसा आयुर्वेद ने माना है कि जो बीमारी है ज्यादा खान पान से होती है, तो ये कुछ हद तक बिल्कुल सही है, क्योंकि डायबिटीज के लिए ये कहा गया है कि एक ये वंशानुक्रम डिजीज है, और आजकल ये देखा गया है कि इस डायबिटीज का इंसिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, और ये अनुमान है कि 2020 तक हिंदुस्तान एक ऐसा देश होगा जिसमें कि डायबिटीज के रोगों मरीजों की संख्या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होगी, और इसका एक मेन कारण है, एक हम लोग की टर्मिनोलॉजी है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें कि ओबेसिटी मतलब मोटापा, और इसको हम लोग मेजर करते हैं कि एब्डोमिनल गर्थ से, कि हमारा आम भाषा में तौन बहुत ज़्यादा निकली हुई है, तो ये चीज़ एक ऐसी है मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो कि डायबिटीज़ को अपने आप में बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, और अगर हम लाइफस्टाइल का जैसे मैंने पहले बोला था उस पर ध्यान दें और योगा पे ध्यान दें तो ये डायबिटीज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और हम हिंदुस्तान में इंसिडेंस को भी रोक सकते हैं। तो हमारे लिए आवश्यकता ये है कि इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को हम पब्लिक के सामने ज़्यादा से ज़्यादा लाएं और उसके ला करके हम डायबिटीज़ के बचाव के साधन ढूंढ सकते हैं कि किस तरह से हम डायबिटीज़ को बचाएँ, और डायबिटीज़ को बचाएंगे तो हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट के क्या, किडनी के क्या, ब्लड प्रेशर के क्या, तो बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें वो कर सकते हैं। और इसमें योगा का क्या रोल है, हमारे साथ मौजूद जो हैं योगाचार्य जी, वो इसके ऊपर और अच्छे से प्रकाश डाल सकते हैं कि कौन कौन से योग डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। या हम अपने योगाचार्य जी से जानना चाहेंगे कि योग में इसका क्या उपचार है और कैसे इसके लक्षणों को हम पहचान सकते हैं और कैसे दूर कर सकते हैं हृदय रोग को। ये एनालिसिस किया गया है कि 75% बीमारियां आज मन से पैदा होती हैं, जो हमारे अपवित्र अशुद्ध विचार हैं उन विचारों से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम्स या हमारा अंत शरीर प्रभावित होता है, और उन ग्लैंड्स के इम्बेलेंस होने के कारण से डायबिटीज और हार्ट जैसी हार्ट अटैक या एंजाइना पेन जैसी व्याधियां पैदा होती हैं। क्योंकि लंबे समय तक जब हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इम्बेलेंस चलता है, अगर हमारा पीट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन सही नहीं है तो हमारी सारी ग्लैंड्स इम्बेलेंस हो जाती हैं, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स का सिक्रेशन इम्बेलेंस होता है, एड्रेनल ग्लैंड का सिक्रेशन इम्बेलेंस होता है, जिसके कारण से हार्ट की मांसपेशियाँ प्रभावित होती हैं और उससे हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि एंजाइना पेन के प्रति हम अगर अवेयर हैं तो हम उसको प्राणायाम के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, जैसे अनुलोम अविलोम प्राणायाम। पूरा प्राणायाम हार्ट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं तो
शुद्ध और प्राणयुक्त वायु हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है लेफ्ट नॉस्टल से। योग चिकित्सा करता है सर्कुलेटरी सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड रह के, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके ऊपर पूरा सिस्टम डिपेंड होते हैं बॉडी के। अगर रक्त शुद्ध है प्राणयुक्त है तो बॉडी के अंदर कहीं भी कोई भी डिफॉर्मिटी या कोई भी प्रॉब्लम्स आई है तो उसको ठीक किया जा सकता है। बॉडी में जो सिस्टम्स है हमारे, जो WBC है, उसका भी यही कार्य है। वो हमारे बॉडी के अंदर जो बाहर से वायरल या वायरस हमला करता है उसको रोकने का काम करती है। अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो WBC बढ़ाया होगा आपका, देख लेना आपके भी चेक करा के। तो जब हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो रक्त में जो RBC हमारे प्राणायाम से इंक्रीज होता है, हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है, तो इसको इम्यूनिटी पावर इंक्रीज में बोलते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है। तो उस सिस्टम के माध्यम से हम पूरी बॉडी के अंदर शुद्ध और प्राणयुक्त रक्त का संचरण करते हैं प्राणायाम के माध्यम से। तो प्राणायाम एक ऐसा साधन है जो शरीर के अंदर जाके उसको मरम्मत देता है, उसकी मेंटेनेंस करता है। अब जहां तक शुगर की बात है, डायबिटीज की बात है, तो डायबिटीज पेन क्रियाज ग्लैंड, अगर स्टिमुलेशन पेन क्रियाज ग्लैंड का सही नहीं है, ये एंडोक्राइन सिस्टम, जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये आप इसको हार्ट डिजीज में भी ले सकते हैं, आप इसको अगर एंडोक्राइन सिस्टम में लेते हैं तो पेन क्रियाज ग्लैंड जो है उसके स्टिमुलेशन के अभाव में जो इंसुलिन का सिक्रेशन है वो कम हो जाता है या नहीं होता है, तो एक्स्ट्रा इंसुलिन डाल के बॉडी में उसको बैलेंस किया जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम के माध्यम से उस पेन क्रियाज ग्लैंड को स्टिमुलेट किया जाता है और पेन क्रियाज जो इंसुलिन का सिक्रेशन है उसको प्रॉपर करके ब्लड में मिला हुआ एक्स्ट्रा ग्लूकोज फ्रेक्टोज में कन्वर्ट करके उसको ब्लड के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो पूरी बॉडी हमारी एनर्जेटिक हो जाती है, प्राणवान हो जाती है, जो एजिंग प्रोसेस है वो कम होता है प्राणायाम से। जो एज बढ़ने के साथ साथ जो 40 साल के बाद डीजनरेशन की प्रक्रिया शुरू होती है माना जाता है। लेकिन अगर हम आहार विहार और अपने विचार योग के अनुकूल रखें तो 10 से 15 साल आयु आप बढ़ा सकते हैं। 100 साल की आयु, 100 साल का बॉडी माना जाता है कि 100 साल तक हमारी जो बॉडी है वो रहता है। तो आज की आयु, आज के युग में आप देखिए कि किस प्रकार से, ये मैंने बताया पहले कि 75% व्याधियां यहाँ से पैदा होती है और प्राणायाम सीधा यहाँ पे असर करता है, इस चीज को ठीक करता है। हृदय रोग से कैसे बचे एक आम व्यक्ति, कैसे, वो क्या जानकारी होगी बताइए डॉक्टर विपिन कपूर जी। आपके बाएं सीने में दर्द हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हृदय नहीं छोड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, आप महसूस कर रहे हैं, और आपके हाथ की बाएं हाथ की उंगलियां जो है सुन होती जा रही हैं, तो इसमें आप कॉक्टस जी नाम की एक दवाई आती है, अगर उसको लें तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी असर दिखाती है और 5 से 10 मिनट के बीच में कैसा भी हृदय संबंधित दर्द हो उसको नियंत्रित करती है। तो यहाँ मैं होम्योपैथी एक चीज ये सवाल करना चाहूंगा कि क्या इस तरह की कोई मेडिसिन है जो स्ट्रेप्टोकाइनेस का मुकाबला कर सके, क्योंकि अगर पेशेंट का दर्द स्ट्रेप्टोकाइनेस के देने के बाद भी नहीं रुकता है तो उसको हम लोग बहुत सीरियस हार्ट अटैक मानते हैं और बहुत सीरियस कंडीशन में मानते हैं। तो मैं हमारे होम्योपैथ जो साथी हैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या होम्योपैथ में इस तरह कोई इलाज है कि वो हार्ट अटैक को रोक सके या उस समय के लिए हार्ट अटैक को बचा सके कि वो टाइम से वहां पे पहुंच सके। चर्चा भी जारी रखेंगे, जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। International Theatre, Academy of Theatre, Films, Radio and Television. It organizes oriented workshop for creative person. Come with a dream and go with a career. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चर्चा आरंभ करते हैं। अभी एक सवाल आया था, डॉक्टर साहब ने एक सवाल किया था कि क्या आपके यहाँ भी कोई इस तरह की मेडिसिन है कि जो त्वरित उसका उपचार कर सके, हृदय रोगी को उसमें रिलीफ मिल सके। ये सवाल होम्योपैथ डॉक्टर विपिन कपूर जी से। डॉक्टर साहब ने जैसा कि भी पूछा और बताया भी कि हृदय रोग से संबंधित जो पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आता है उसके हृदय में तेज दर्द हो रहा हो और उसके जो हृदय संबंधित जो नाड़ियां हैं उसमें थक्के बन गए हों, तो उसके लिए क्या त्वरित उपचार है? हृदय में बहुत तेज दर्द हो रहा है और वो किसी भी तरह नहीं रुक रहा है, तो स्ट्रोपेंथस नाम की एक दवाई होती है होम्योपैथी में, वो बड़ी तेजी के साथ क्लॉटिंग को खत्म करती है, जो थक्के बन जाते हैं नाड़ियों में
उसको खत्म करती है। पहाड़ के ऊपर बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो नहीं उपलब्ध हो पाती, वो सामान्य रूप से वो कौन सी डिजीज, वो उस हृदय रोग पर वो कौन सी दवा होनी चाहिए जो आम तरीके से मिल सकती हो, आसानी से उपलब्ध हो, उस तरीके से बताइए थोड़ा सा, ताकि जो इंटीरियर्स में एक मकान है जहाँ है वहाँ जड़ी बूटी से क्या संबंध है, क्या योग से वहाँ पर हो सकता है, क्या एलोपैथ में ऐसी कोई मेडिसिन है सस्ती भी हो और वहाँ वो रख सकते हैं। अगर पेशेंट को ये लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है या दर्द उससे संबंधित है, तो एस्प्रिन की गोली 350 मिलीग्राम की हम लोग यूजुअली एडवाइस करते हैं, वो उस समय तुरंत ले ले। कई बार यहाँ तक देखा गया है कि एस्प्रिन की गोली अगर पूरी मात्रा में ले ली जाए तो डॉक्टर की क्लिनिक तक पहुँचते पहुँचते उसका दर्द कम हो जाता है, और उसके साथ साथ अगर सॉर्बिट्रेट ले ली जाए तो और भी अच्छा हो जाता है। तो ये एक दो ऐसी और बहुत ही सस्ती दवाइयाँ हैं जो कि हर आदमी अपने साथ रख सकता है, पहाड़ के ऊपर हो चाहे कहीं पर भी हो। इस विषय पर अभी और जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं हृदय रोग के बारे में। ऐसा है डॉक्टर साहब, जो कि ट्रीटमेंट चल नहीं रहा है और अचानक उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई है और उसे मालूम भी नहीं है, तो उसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? अगर उसके पास कोई दवा नहीं है और वो क्लिनिक से कोई डॉक्टर के क्लिनिक से दूरी पर है, काफी दूरी पर है, तो अपनी डिस्प्रिन की गोली बहुत आराम से मिल जाती है, कहीं पे आसपास भी, ये पंसारी के यहाँ भी मिल जाती है, मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाती है। तो डिस्प्रिन की एक गोली खा करके और तुरंत जो भी नज़दीक में सबसे डॉक्टर हो उस डॉक्टर के पास जाए और वहाँ पे उनको अपने सारे सिम्टम्स बताएं। उसके बाद वो चाहे जनरल प्रैक्टिशनर होगा, कोई भी होगा, उसको ये जरूर पता होगा कि ये दर्द जो है हार्ट का हो रहा है, और वो तुरंत अपने आप उसको एक स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर देंगे और वो वहाँ पे जा करके उसका सुचारू रूप से इलाज हो जाएगा। लेकिन इस दर्द को, किसी भी तरह का दर्द अगर छाती में है, तो उसको ये कहकर कि ये गैस का दर्द हो रहा है या डकार आने से ठीक हो गया, उसको टालना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। हमारे दर्शक गण ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि अगर उनको मेडिसिन के विषय में भी नॉलेज नहीं है और आसपास कोई क्लिनिक भी नहीं है, तो हार्ट और उनको हार्ट में प्रॉब्लम्स लग रहा है कि उनको हृदय कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो योग में एक बहुत अच्छा उपाय है कि अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ हो रही है प्रॉब्लम्स, तो आप हृदय मुद्रा यूज़ कर सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जो नेचुरलपैथी है, वो मानती है कि बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनता है, मतलब शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये सभी जानते होंगे। तो वायु मुद्रा जो है, अंगूठे के नीचे इंडेक्स फिंगर दबाना और ये दोनों उंगली अंगूठे की टिप से लगा लेना, ये वायु मुद्रा कहलाती है। और इस मुद्रा का इंजेक्शन से जल्दी असर होता है, क्योंकि ये हृदय जो है, हृदय आकाश का स्थान माना जाता है, और ये उंगली जो है, ये आकाश तत्व को बैलेंस करती है। ये उंगली, मिडिल फिंगर जो है, आकाश तत्व को बैलेंस करती है, ये पृथ्वी तत्व को बैलेंस करती है, और ये वायु को, ये अग्नि को। तो ये पांचों उंगलियां हमारे 5 तत्वों को बैलेंस करती है हमारे शरीर के अंदर। इन 5 तत्वों की बैलेंस स्थिति संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार माना जाता है। एक तत्व जब घट जाता है या बढ़ जाता है तो शरीर विकारग्रस्त हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए हमको किसी सॉल्ट का सहारा लेना पड़ता है। जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब डॉक्टर्स करते हैं, हमारे डॉक्टर साहब, वो एक सॉल्ट होता है। बॉडी के अंदर सॉल्ट गया, ब्लड के माध्यम से उस जगह पहुंचा और एक्शन किया। इन पंच तत्वों के बैलेंस करने के लिए हम प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट में कोई प्रॉब्लम लगे तो वो इस मुद्रा का तुरंत प्रयोग कर सकता है, एडवांस, और यकीन मानिए कि आप क्लिनिक तक पहुंच जाएंगे। हृदय रोग पर अभी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले हमारे एक दर्शक कुछ जानकारी चाहते हैं हमारे डॉक्टर पैनल से। डॉक्टर साहब, आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में खानपान इतना अव्यवस्थित हो गया है, लोग जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड, चाइनीज फूड, तो इन सब से किस तरीके से प्रभावित होती है हमारी इस तेज दिनचर्या से हमारी बीमारियां, हृदय रोग किस तरह से प्रभावित होता है और इससे किस तरह से बचा जाए? ये एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न जो दर्शक ने पूछा है। जो जंक फूड है, आमतौर से जंक फूड या तो मैदा का होता है और उसके साथ साथ उसके अंदर जो वसा, ऑयल यूज करते हैं, घी यूज करते हैं, उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत होते हैं। और हमारे डॉक्टर जैन आयुर्वेद से जो हैं, वो भी मेरी बात से वाकिफ होंगे कि हमारे खानपान में फाइबर जो डाइट होता है, जो फाइबर होता है, जो वसा रेशा जो होता है, उसकी बहुत वैल्यू होती है हमारे पेट के लिए, हमारे ब्लड के लिए,
हमारे खून के संचरण के लिए, इन सब के लिए जो फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जंक फूड इस फाइबर में लैक करता है। तो उसमें एक परेशानी जो रहती है जंक फूड में, वो लैक ऑफ फाइबर। और इस फाइबर की इम्पोर्टेंस मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फाइबर हमारी डाइट के अंदर कितना ज़रूरी है, चाहे वो हार्ट से संबंधित मरीज हो, चाहे वो डायबिटीज से संबंधित मरीज हो, दोनों के अंदर फाइबर की वैल्यू होती है। और इसी की कमी की वजह से डायबिटीज और हार्ट अटैक या एंजाइना की प्रोग्रेस ज़्यादा होती है। हृदय रोग पर अभी जो चर्चा चल रही है उस पर लाइफ स्टाइल और खान पान पर फोकस किया जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ आयुर्वेद से, आयुर्वेद में क्या, आयुर्वेद में भी इस तरह के कोई पेशेंट्स हैं, आपका क्या मत है, क्या जानते हैं? इस प्रश्न का जवाब देने से पहले, मैं इससे पहले जो एक दर्शक ने या जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने जो एक प्रश्न पूछा था कि जैसे आपने कहा था इंटीरियर्स में कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल हों जहाँ पर मेडिसिन अगर अवेलेबल नहीं है, तो घरेलू चीज़ों में से हम किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, स्पेशली जब हृदशूल की बात आती है, तो तुलसा के पत्ते, तुलसी जो कि हर घर में लगी होती है, 4-5 पत्ते तुलसी के और 1/4 चम्मच हल्दी, अगर इसका सेवन किया जाए गर्म पानी के साथ, तो ये भी कुछ हद तक एंजाइना को प्रोलॉन्ग कर सकता है या फिर जो क्लॉट्स फॉर्मेशन हुई है, जो थक्के बने हैं, उनको डिसॉल्व करने में कुछ हद तक मदद कर सकता है और एक इमरजेंसी सिचुएशन से पेशेंट को हानि होने से बचा सकता है। जहाँ तक आयुर्वेद कहता है कि खाने के बाद जल, ये जहर के समान होता है, खाने से 1 घंटे के बाद पानी का सेवन करना ये अमृत के समान होता है, खाने से पहले या खाली पेट जल का सेवन करना ये बल कारक होता है, शरीर को पुष्टि देता है, शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को या मेटाबॉलिक सिस्टम को इम्प्रूव करता है, और खाने के साथ साथ एक एक घूट करके पानी पीना ये दवाई का काम करता है, औषधि का काम करता है, आहार को पचाने का काम करता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो नॉर्मल आहार सेवन में अगर हम अपनी आदत में ले आएँ, तो इससे जो भी हम आहार कर रहे हैं उसका पाचन बहुत अच्छे से होगा, और अगर पाचन अच्छे से होगा तो आगे जाके दोषों की उत्पत्ति ना होकर मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा, और बी इट ओबेसिटी, बी इट डायबिटीज़, बी इट हार्ट डिजीज़, इन सभी में इस चीज़ को प्रयोग करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स, काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी और जानकारी लेंगे हृदय रोग को लेकर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। International Theatre, Academy of Theatre, Films, Radio and Television. It organizes oriented workshop for creative person. Come with a dream and go with a career. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों एवं चिकित्सकों का स्वागत है। डॉक्टर पैनल्स ने बहुत सारी टिप्स हमें दी हैं, लेकिन इससे पहले एक सवाल हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, चलते हैं सीधे दर्शक के पास। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि हार्ट पे बीपी का क्या इफेक्ट पड़ता है, बीपी हाई या लो होने से उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और योग के द्वारा वो किस तरह ठीक किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चंस, बहुत अच्छा प्रश्न दर्शकगण की तरफ से आया कि ब्लड प्रेशर में योग का क्या महत्व है। ऐसा भी देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर अगर आप 10 जगह चेक कराओगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ये भी बहुत बार देखा जाता है। लेकिन अगर वो बढ़ा हुआ है, सामान्य से ज़्यादा है 2 या 3 लैब में, तो नेचुरल है कि ब्लड प्रेशर है। अब योग का क्या महत्व है? अब योग में हम देखते हैं कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने बताया कि लाइफस्टाइल मस्ट, इफ यू वांट टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, तो लाइफस्टाइल को सबसे पहले कंट्रोल कीजिए कि आप उठते किस समय, सोते किस समय है, आपकी डाइट क्या है, आपके थॉट्स क्या है। अब देखिए, एक व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है तो 1 मिनट में 15 से 18 ब्रेथ लेता है, छोड़ता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो वो ब्रेथ का जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो ब्रेथ लेने का जो सिस्टम है, वो कम हो जाता है। मतलब आप 10 से 15 या और भी कम श्वास ले सकते हैं, तो उसमें हमारे हार्ट की जो मसल्स है उसको रिलैक्स मिलता है।
जब हम शवासन में लेट के, आप प्राणायाम के ऊपर बात मत कीजिए, प्राणायाम तो बहुत डेप्थ थ्योरी है, प्राणायाम करके तो वास्तव में ब्लड प्रेशर को भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर हम केवल शवासन में लेटे हुए हैं और शवासन में हम केवल अपनी श्वासों के प्रति सजग हैं, तो और आप 100 से लेके 1 तक रिवर्स डायरेक्शन में काउंट कीजिए, तो और फिर ब्लड प्रेशर चेक कीजिए आप, उससे पहले ब्लड प्रेशर चेक कीजिए और उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, आप बिल्कुल उसको डिफरेंट पाएंगे, 110% डिफरेंट होगा। आप केवल 100 से लेके 1 तक रिवर्स डायरेक्शन में काउंट कर लीजिए और ब्रीथ आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी, केवल आप उनको ऑब्जर्व करते रहेंगे। 220-120 अगर होता है उस दौरान योग करते हैं तो उसका इफेक्ट साथ साथ ही पड़ता है जी, शवासन जैसा आपने बताया करना, बिल्कुल इमीडिएट। नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा योगाचार्य से डिफरेंट हूँ कि अगर 200 और 120 ब्लड प्रेशर है तो आप अपनी मेडिसिन जरूर लीजिए। हाँ, मेडिसिन के बिना कोई योगासन काम नहीं करेगा, उसमें आपको शवासन जरूर कीजिए साथ में, मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिए साथ में, कंप्लीट बेड रेस्ट तब जरूरत पड़ेगी अगर उसके साथ सिम्टम्स हैं आपके मौजूद, तब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए मेडिसिन एलोपैथ बहुत अच्छा साधन है आकस्मिक चिकित्सा, अगर 220-140 ब्लड प्रेशर है तो इमीडिएट मेडिसिन लीजिए, आकस्मिक चिकित्सा कीजिए, उसके बाद आप योगा प्राणायाम कीजिए और उसको हमेशा के लिए कंट्रोल कीजिए। तो दर्शकों, स्वास्थ्य कार्यक्रम हेल्थ दरबार में आज हम यही लेते हैं विराम, अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे चिकित्सा क्षेत्र में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जय किसान .org, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बढ़ते कदम जय किसान .org।